हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविकल ब्लॉग में। आज दोस्तों हम लोग जो है एक हवेली पर घूमने आए हैं, जो कि आप यहां पे देख सकती है हवेली के पीछे का नज़ारा। और बहुत ही प्रसिद्ध ये महल है, एक हवेली है पुरानी, और यहां पे आपको पीछे का नज़ारा देख सकते हैं आप। यहां पे ये हवेली जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, और राजाओं महाराजाओं की जो शान शौकत है उसको आज आपको दिखाने वाले। बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको पूरा महल दिखाएंगे, जो राजाओं की ये पूरी महल है। दोस्तों ये पीछे का सीन आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर मैं आपको ये नज़ारा दिखाऊँ तो कुछ इस प्रकार से ये नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कुछ नज़ारा इस प्रकार से दिखाई दे रहा है पीछे का नज़ारा। अभी हम लोग अंदर चलेंगे और पूरी हवेली जो है अंदर से देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या इस हवेली में है, और जो राजाओं के शान शौकत थे वो दिखाने वाले हैं, जहाँ राजा बैठते थे, जहाँ पे उन अपने प्रजा के साथ जो है वार्तालाप करते थे, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो चलिए घूमते हैं और दिखाते हैं वो शान शौकत। यहाँ पे देखिए पहला ये गेट है, और इस गेट की अगर बात किया जाए तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से हवेली दिख रही है भाई। खूबसूरत नज़ारा आप ही देख सकते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग अंदर चलेंगे और अंदर चलकर देखते हैं कि कैसा ये नज़ारा दिखता है। तो दोस्तों अभी ये फ्रंट का आप देख चुके हैं, अभी अगर इसको जूम किया जाए तो थोड़ा सा और जूम करते हैं, ये देख सकते हैं ये नज़ारा। और अब ये दो मंदिर जो कि राजाओं महाराजाओं के द्वारा बनवाया गया बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पे मेला भी लगता है। और आगे देखते हैं, इसके अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको हवेली का ये खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पे देखिए फ्रंट व्यू है, ये अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट व्यू। दोस्तों इस हवेली की अगर बात किया जाए तो ये हवेली है कहाँ पे, ये हवेली है अंबेडकर नगर में, मकरही पड़ता है, यहाँ पे ये हवेली देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप अंबेडकर नगर मकरही में आएंगे तो आपको जो है ये हंसवर के पास पड़ता है, यहाँ पे आएंगे तो आपको ये हवेली जो है देखने को मिलेगा। तो कभी अगर आप घूमने आए तो ये पुराना देख सकते हैं, ये पुरानी हवेली है। और ये जो है देखिए कुछ इस प्रकार से आपको अंदर का नज़ारा देखने को मिलेगा जब आप अंदर प्रवेश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ से जो है ये बालकनी है, और यहाँ से राजाओं की जो रानियाँ होती थी वो इस तरह से अपने बालकनी से ये नज़ारा जो लुत्फ़ उठाती थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलेगा।